देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, स्वागत है आपका आर फॉर आरपीएम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बाइक के बारे में, अपाचे आरटीआर 204V के लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में। तो मैं ये गाड़ी को अपनी साइड में पार्क करता हूँ और हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो इस बाइक का सबसे पहले आपको दिखता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल। ये एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है, आपका कितना डिस्टेंस गाड़ी चला है उसके लिए, स्पीडोमीटर स्पीड दिखाने के लिए, फ्यूल गॉज, गियर पोजिशन इंडिकेटर और क्लॉक। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे मोड्स हैं, जैसे कि आपका ट्रिप 1, ट्रिप 2, फिर उसके बाद लैप टाइमर मिल जाता है आपको, हाई स्पीड रिकॉर्डर मिलता है, शॉर्टेस्ट टाइम रिकॉर्डर मिलता है, बस इतना ही है वैसे इसमें। तो ये एक फुली डिजिटल कंसोल है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आरपीएम इंडिकेटर मिल जाएगा, ये आरपीएम इंडिकेटर है, यहाँ पे आपका आरपीएम दिख जाएगा कितना क्या है। उसके अलावा और लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको गियर पोजीशन यानी न्यूट्रल का लाइट मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है अगर फ्यूल लो है तब, राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, एबीएस वाली बाइक के लिए एबीएस और हाई बीम लो बीम स्विच, बस। तो कंसोल की बात करें तो ये बस इंस्ट्रूमेंट कंसोल में इतनी ही चीज़ है। इसके अलावा चलो हैंडल बार्स की बात करते हैं, तो फिर हैंडल बार की क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम लगती है इसमें। मेरे पास पुरानी वाली अपाचे भी थी तो उसमें इतना खास नहीं लगता था, तो जो बटन वगैरह है वो काफ़ी सही है। ये आपको मिल जाता है हाई बीम लो बीम स्विच, पास स्विच, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, हॉर्न जो भी ऐसा साउंड करता है, उसके बाद इंजन किल स्विच, लाइट स्विच और इंजन स्टार्ट का स्विच। तो अभी इंजन स्टार्ट का स्विच का आ गया तो एक बार एग्जॉस्ट साउंड भी सुन लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो कुछ ऐसा है इसका एग्जॉस्ट साउंड। तो एग्जॉस्ट तो काफ़ी बढ़िया है इसका। उसके अलावा बात करते हैं तो फ्यूल टैंक की, इसका काफ़ी मस्कुलर मोटा सा फ्यूल टैंक मिला है, आप आगे से अगर डिज़ाइन देख सकते हो तो बहुत सही है। वॉक अराउंड में भी मैं दिखा दूंगा कैसा है। उसके बाद आपको ये अलग सा ऑफसेट फ्यूल कैप मिल जाता है जो कि मेरे ख्याल से किसी भी बाइक में अवेलेबल नहीं है। तो चलिए अब नीचे उतरते हैं, स्टैंड लगाते हैं और बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में। तो आगे से अगर देखेंगे तो ये अपना इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऐसा बाहर से निकला हुआ मिल जाता है। इस वाले में वाइजर वगैरह नहीं मिलता है, बट जो रेसिंग एडिशन आजकल आता है उसमें मिलता है, बट जो BS6 है उसमें भी अगेन नहीं आता है नंबर प्लेट। उसके बाद इस वाले में ये BS3 मॉडल है जो कि मैंने 2016 की ये मॉडल है ये, तो इसमें आपको हैलोजन लाइट ही मिलती है। उसके बाद DRLs यहाँ पे मिलते हैं, डे टाइम रनिंग लैम्प। BS6 जो आई है उसमें आजकल LED हेडलैम्प्स आते हैं और ऑलवेज हेडलाइट ऑन फीचर के साथ आते हैं AHO लाइट। यहाँ पे दो मिल जाता है बल्ब इंडिकेटर्स, फिर ये आपको फ्रंट सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। 90x90 सेक्शन के टायर्स हैं और इसका ये भी अलॉय व्हील्स है और इसका जो व्हील का डिज़ाइन है ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपाचे 160 को कंसिडर करो तो ऐसा जो आपको व्हील का डिज़ाइन आता है वैसा नहीं आता है। 270mm का ये पेडल डिस्क ब्रेक है, BS3 में ABS नहीं है, बट आगे वाले जो भी फीचर्स हैं उसमें जैसे कि BS6 है उसमें ABS आपको मिल जाता है, डुअल चैनल ABS मिलता है, बट इसमें ABS नहीं है। तो रियर साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाता है LED टेल लैंप, अगेन बल्ब इंडिकेटर्स मिल जाते हैं नंबर प्लेट। उसके बाद ये मिल जाता है 130x70 सेक्शन का आपको रियर व्हील मिल जाता है, 240mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है यहाँ पे, अगेन डिस्क ब्रेक। BS3 में ABS नहीं था, अभी ABS आता है, डुअल चैनल ABS आता है। डबल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा साउंड करता है। उसके अलावा आपको ये फुटपैक्स मिल जाते हैं यहाँ पे रियर सीट के लिए, फ्रंट सीट के फुटपैक्स, रियर ब्रेक्स। चलिए अब इंजन की बात करते हैं।
तो जो इंजन आपको इसमें मिलता है वो 197.5 सीसी का इंजन है विद 5 स्पीड गियरबॉक्स, जी हाँ 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में। BS3 आगे नहीं है तो कार्बोरेटेड वेरिएंट है, नई वाली में कार्बोरेटेड नहीं है, फ्यूल इंजेक्शन है तो आपको ये वाला फ्यूल लॉब देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा ये इंजन जो पावर जनरेट करता है वो है अराउंड 20 BHP ऑफ पावर एट 8500 RPM पे और 16.8 या फिर 17 न्यूटन मीटर टॉर्क 7500 RPM पे। एक और इंजन की बात करूं तो ये एक ऑयल कूल्ड इंजन है, इसका जो ऑयल कूलर है वो आपको इस जगह पे मिल जाता है, लिक्विड कूल नहीं है, ऑयल कूल्ड है बट काफी सही है। साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों मिल जाते हैं इसमें, ओपन चेन सिस्टम है। और अगर आपको मेरी गाड़ी गंदी लग रही है तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन है और मैंने साफ वगैरह नहीं करवाया है, क्या ही करेंगे साफ करवा के भी। टायर हगर मिल जाता है ये, और ये एक मड फ्लैप मिल जाता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको यहाँ पे 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो चलिए अब सीट की बात करते हैं, तो सीट की बात करें तो सीट की क्वालिटी जो है वो राइडर सीट की अच्छी है, पिलियन सीट की थोड़ी हार्ड है। 800 mm की सीट है ये, ये थोड़ा ऑब्वियसली स्टेप अप सीट है। ये है ग्रैब रेल्स जो कि डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छा है बट ठीक है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ओवरऑल जो लुक था बाइक का ये वही है। एक और मेन चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो है इसका रियर मोनोशॉक सस्पेंशन। तो ये अपाचे बोलता है रेस ट्यून्ड मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि एडजस्टेबल नहीं है। अब इसकी एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। वो अच्छी बात ये है कि ये आपका प्लेन रोड और हाई स्पीड में आपको स्टेबिलिटी देता है, और बुरी बात यह है कि अगर आप खराब रास्तों में गाड़ी चलाते हो तो आप इसको सॉफ्ट साइड में नहीं रख सकते। तो चलिए अब हम एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो मैंने ये गाड़ी एक्चुअली अराउंड 19,700 किलोमीटर चल चुकी है, मैंने इसमें से 3,000 चलाए हैं। ओके, तो फ्यूल टैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, जिसमें से 2.5 लीटर आपको रिजर्व कैपेसिटी रहती है इस फ्यूल टैंक की। रेंज माइलेज मुझे अभी तक इसमें से 40 किलोमीटर पर लीटर का मिला है, क्योंकि मैं बहुत सेंसिबली ड्राइव करता हूँ। अगर आप एग्रेसिवली ड्राइव करते हो, ट्रैफिक में करते हो, तो समवर्ड अराउंड आपको 35 तक का तो मिल ही जाना चाहिए। तो अगर 40 किलोमीटर की बात करें तो आपको जो रेंज है वो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो वैसे तो, बट 480 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है इस पर, एटलीस्ट मुझे तो मिल ही जाता है। और ड्राइव की बात करें तो इसका जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ गियर बॉक्स है। अप डाउन करते हुए इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, हल्के से मूवमेंट में गियर अप और डाउन हो जाता है। फर्स्ट गियर कभी ज़्यादातर नहीं आता है, मुझे तो आज तक नहीं आया है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। वन नेगेटिव पॉइंट, चलिए नेगेटिव पॉइंट की बात तो हम बाद में करेंगे। और इंजन भी इसका काफ़ी स्मूथ है, एटलीस्ट ये BS3 है तो ये थोड़ा रफ है, बट जो BS6 मॉडल आता है वो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है। थ्रॉटल भी इसका काफ़ी लाइट है, बड़ा ही पंची इंजन है इसका। अगर आप फिफ्थ गियर पे भी रखते हो तो भी थ्रॉटल देने पर वो पुश और वो इंस्टेंट एक्सीलरेशन आपको मिलता है। इस वाले बाइक में स्लीपर क्लच नहीं आता है, बट अभी जो नई अपाचे आ रही है अपाचे 200, उसमें स्लीपर क्लच आ जाता है। तो ओवरऑल यही है इस गाड़ी के बारे में। और हाई स्पीड स्टेबिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया वो काफ़ी सही रहती है, बट अगर रास्ता ख़राब है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। पिलियन सीट इतनी खास नहीं है, क्योंकि मैं खुद बैठा हूँ कई बार पिलियन सीट पे, तो इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती है ये सीट। तो यही रही इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स एक्सेप्ट सीट कि इसका इंजन काफ़ी पंची है, माइलेज भी ठीक ठाक है, मतलब मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई माइलेज से, तो मुझे ठीक ठाक ही मिला गाड़ी से। पावर अच्छी है इसकी और राइडिंग पोजीशन। ओके, तो राइडिंग पोजीशन की बात करें तो ये ज़्यादा लेंड इन पोजीशन नहीं है, अपराइट पोजीशन है। हैंडल बार ऐसा कुछ है आपके हाथ में आ जाता है, ये आप सीधा स्ट्रेट बैठते हो। फुट टच थोड़े रियर सेट है, थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन के लिए, बट आपके बैक पिन बैक को ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं पड़ता है, तो फिर काफ़ी सही है उस मामले में। तो राइडिंग पोजीशन भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। अभी चलिए नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने अराउंड इसको 3000 किलोमीटर चला लिया है,
आपको मेरे को पता है 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, बट इसमें से मैंने 3,000 या 4,000 किलोमीटर चलाया है, क्योंकि इससे पहले गाड़ी किसी और के पास थी। तो इसके बाद भी इससे जो फील आता है, मतलब बिल्ड क्वालिटी का फील आता है, वो काफ़ी अच्छा है। 20,000 किलोमीटर के बाद भी इसमें कोई रैकलिंग की नॉइज नहीं आती है, जो भी लूज बोल्ट्स वगैरह, जैसे मेरे पास एक पुरानी 160 थी, RTR 160, अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाया था उस पर, वीडियो आई मीन एक व्लॉग बनाया था उस पर, तो आप आई बटन में चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें काफ़ी मतलब पार्ट्स उसके काफ़ी लूज हो जाते थे, तो वो रैटलिंग की आवाज़ करता था उसमें, बट ये काफ़ी सॉलिड फील होती है, इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है, कहीं से कोई गैप नहीं दिखेंगे आपको। थोड़े बहुत वायर्स तो इसमें दिख जाते हैं, बट आई डोंट थिंक कि जो नई वाली है उसमें कुछ दिखते हैं। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो BS3 में, अब तो ब्रेकिंग का तो बात कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इसमें ABS नहीं था, बट फिर भी अच्छा ब्रेकिंग है, पीछे का ब्रेक भी अच्छा ही है, बट स्किड होने के चांसेस है क्योंकि इसमें ABS नहीं है, ABS है होगा तो ज़्यादा सही है। टायर जो आपको मिल जाते हैं वो ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और TVS के रेमोरा टायर्स मिलते हैं, जो कि ड्राई रोड में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं गाड़ी चलाने में, बट जब रास्ता गीला होता है तो ये थोड़े स्लिपरी हो सकते हैं, मेरे मामले में तो काफ़ी स्लिपरी हैं। मुझे औरों का नहीं पता, औरों के रिव्यूज़ तो टायर के लिए अच्छे ही आते हैं, बट आप जब अगर अभी BS6 ले रहे हो तो उसमें आपको पिरेली के टायर्स भी लेने का आपको ऑप्शन मिलता है, जो कि स्टिकी टायर्स होते हैं, मतलब थोड़े कॉस्टली होते हैं, आपको गाड़ी का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये थे कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, और इसका काफ़ी बढ़िया एग्जॉस्ट है। तो इसके अगर नेगेटिव पॉइंट्स की हम बात करें तो हम गाड़ी यहीं रोक लेते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है, जो कि मेनली नेगेटिव पॉइंट नहीं है बट इसको इम्प्रूव किया जा सकता था, वो है इसका जो 6-speed गियरबॉक्स है, फाइव स्पीड गियरबॉक्स है। अगर आप पल्सर NS200, जो कि इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसकी बात अगर आप लोगे तो उसमें आपको मिल जाता है 6-speed गियरबॉक्स मिल जाता है, बट इसमें ओनली 5-speed गियरबॉक्स मिलता है, जो कि आई थिंक अपाचे को भी पता है कि इसका एक हल्का सा ड्रॉबैक है, बट वो उसको भी इम्प्रूव नहीं करें, मे बी इन फ्यूचर करें। तो गियरबॉक्स की बात हो गई। उसके बाद जो सर एक और इसका प्रॉब्लम है, वो इसके गियर पोजीशन इंडिकेटर के साथ में है, ये कभी न्यूट्रल को फर्स्ट सेकंड दिखाता है, फर्स्ट को कभी न्यूट्रल दिखाता है, तो उस चीज़ में इसका एक डीमेरिट है। और बाकी एज सच मुझे कुछ डीमेरिट नहीं लगा, बट मैंने कुछ रिव्यूज़ खुद देखे हैं जिसमें जो आपका साइलेंसर होता है, जो कि एग्जॉस्ट होता है, उसके अंदर एक जाली रहती है, तो वो कभी कभी फट जाती है, तो उसका बड़ा ही ख़राब आवाज़ आता है, और उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट अराउंड 11,000 आता है। सर्विस सेंटर की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस सबके अलग अलग होते हैं, मैं जिस सर्विस सेंटर में जाता हूँ उसका एक्सपीरियंस अलग है, आप जिसमें जाते होगे उसका एक्सपीरियंस अलग है। तो ये था मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू, जिसमें मैंने एक साल से गाड़ी को ओन करके रखा हुआ है। तो जो फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी है, बट इससे अच्छा पल्सर भी आता है, बट पल्सर में आपको ऐसा डिजिटल कंसोल नहीं मिलेगा। अगर आप BS6 देख रहे हो अपाचे का, तो उसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट फीचर भी मिल जाता है, जिससे आपका फ़ोन आपके कंसोल के साथ कनेक्ट हो सकता है, और आपको वेरियस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे आपकी स्पीड कितनी है, आप कैसे गियर पोजीशन शिफ्ट कर रहे हो, उसके अलावा लीन एंगल वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है उसमें, और स्लीपर क्लच मिल जाता है, जो कि आपको NS200 में नहीं मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, और आपको एक अच्छा सा परफॉर्मेंस मिल जाता है। बट अगेन, अगर आप हाईवे में ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो मे बी आपके लिए पल्सर NS200 ज़्यादा सही रहेगी। तो अगर आप एक अपाचे परचेज करना चाहते हो, स्पेशली अपाचे 160 4V या फिर 200 4V, तो आई विल रिकमेंड कि आप इसकी टेस्ट ड्राइव तो ले ही लें, इसके साथ NS160 और NS200 का भी एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखें, आपको क्या कंफर्टेबल लगता है उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें कुछ ज़्यादा फीचर है, उसमें कुछ मतलब 19-20 का फ़र्क है। इसमें 5-speed गियरबॉक्स है, उसमें 6-speed गियरबॉक्स है, उसमें स्लीपर क्लच नहीं है, इसमें स्लीपर क्लच आता है, डुअल चैनल ABS आता है, उसमें डुअल चैनल ABS नहीं आता, सिंगल चैनल आता है शायद, अब इतना ज़्यादा नहीं पता। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल कंसोल विथ मोबाइल कनेक्ट मिल जाता है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट पल्सर में आपको नहीं मिलता है, इस वाले में नहीं है, ये BS3 है, बट BS6 में आपको ये सब मिल जाता है। अगर मेरे हाथ कभी BS6 लगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो मैं बाहर भी नहीं जा रहा कहीं से गाड़ी चलाने के लिए, इनकेस अगर मेरे हाथ में BS6 लगी तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर बनाऊंगा। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी बाइक है, आपको अगर ये गाड़ी सूट करती है टेस्ट ड्राइव में तो आप ज़रूर इसके लिए जा सकते हो। अगर आप सेंसिबली इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है, रेसिंग मशीन जैसा कि TVS ने कहा, इसका रिस्पॉन्स वैसा ही है, बट
रोड पे, इंडियन रोड पे स्पेशली आपको कभी भी एज अ रेसिंग मशीन इसको नहीं चलाना चाहिए। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि ये आपके लिए यूजफुल था, आपको एक बाइक परचेज करने में हेल्प कर रहा है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके कोई और दोस्त जो आपको बाइक परचेज करना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। अभी जो BS6 मॉडल है उसका प्राइस आपको अराउंड मिल जाएगा 1.28 लाख एक्स शोरूम। आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। तब तक अपने और अपनों का ध्यान रखें और घर पर रहें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।